अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, आपको आज एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो सुनकर आप हैरान कम परेशान ज़्यादा हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, फिरौन के दरियाए नील में गर्क होने के बाद जब बनी इसराइल की कौम को इसके जुल्म और जबर से निजात मिल गई, तो इसके कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मुल्क शाम की सरजमीन से जालिम और जबर लोगों को निकाल दो और खुदा के दुश्मनों से जहाद करो और अपनी कौम में से 12 अफराद को बनी इसराइल के 12 कबीलों पर सरदार मुकर्रर कर दो, ताकि ये सब अपने सरदारों के ताबे रहें और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करें। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के 12 कबीलों पर इनमें से 12 अफराद को सरदार मुकर्रर कर दिया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जहाद के लिए अपने सरदारों और कौम के हमरा जब कुनआन के मुकाम पर पहुँचे, तो अपने सरदारों को हुक्म दिया कि वो मुल्क शाम जाकर वहाँ के जालिम और जाबिर लोगों के हालात मालूम करें। ख़वातीनों हज़रात, जब ये लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ के हालात मालूम किए, तो इन्होंने वहाँ एक बहुत ही बड़े कदोकामत वाला इंसान देखा जिसका नाम औज बिन अन था। ये शख्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज़रत मूसा के ज़माने तक ज़िंदा रहा। इसकी माँ का नाम सफूरा और बाप का नाम अन था। तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम से यही शख्स बचा था। मेरे दोस्तों, इस वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वक्तन फवक्तन वीडियोस जो हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर लेके आते हैं वो आप तक पहुँचती रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। मेरे अजीज़ दोस्तों, अपने दराज कद की वजह से ये शख्स समंदर के पानी में भी नहीं डूब सकता था और समंदर की तह से मछली पकड़कर अपनी लंबाई के सबब इसे सूरज की तपिश से भून कर खाता था। औन बिन अनक ने जब इन सरदारों को देखा तो इनसे दरियाफ्त किया कि तुम कहां से आए हो और कहां जाओगे। इन सरदारों ने जब उसे अपना हाल बयान किया तो इसने इन सब को पकड़ लिया और अपनी बीवी को दिखाने के लिए ले गया और अपनी बीवी से कहने लगा, देखो ये सब मेरे साथ लड़ने के लिए आए हैं और यहाँ तक कि इन्हें ज़मीन पर डाल दिया और चाहा कि चूंटी की तरह पैर से मल दे। लेकिन यहाँ पर इसकी बीवी को तरस आ गया और इसकी बीवी ने कहा, इनको छोड़ दो, ये कमज़ोर और नातवा में खुद चले जाएंगे, तुझको इन्हें मारने से क्या फ़ायदा हासिल होगा। चुनाचे ये सरदार जालिमों और जाबिरों की कसरत से बहुत ज़्यादा डर गए। वापस आकर इन्होंने मुल्क शाम की बातें और दुश्मन की कुव्वत के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तफसील से बताया और बयान किया कि वहाँ के फल फ्रूट में भी बहुत ही बड़े थे और अगर आप एक दाना अनार का निकालें तो आदमी शेर हो जाए। इसी तरह उन्होंने बहुत से मुख्तलिफ फल, जिसमें अंगूर और बहुत से मुख्तलिफ फल भी आते थे, उनका भी जिक्र किया, तो उसके बाद आपके पेट में कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जो फल फ्रूट अपने साथ लाए तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि अपनी कौम के लोगों को शाम के लोगों और इनकी कुव्वत के बारे में कुछ बयान मत करना, क्योंकि ये लोग तो पहले ही बुज़दिल हैं और जहाद से भाग जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर इन 12 सरदारों में से सिर्फ 2 सरदार अपने वादे पर कायम रहे। इनमें से 10 सरदारों ने अहद चिकनी की और कौम के अफराद को वहाँ का सारा अहवाल जो वहाँ देखा था बयान कर दिया और औन बिन अनक के हाथ पकड़े जाने वाले वाक़े से भी सबको आगाह कर दिया। जब कौम ने इस दुश्मन की कुव्वत के बारे में सुना तो हरासा होकर जहाद पर जाने से कतराने लगे और मिस्र वापस जाने की तैयारी में लग गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, तुम मत घबराओ और जहाद से भागने की कोशिश ना करो, मेरे साथ अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि तुम्हें इन काफिरों पर फतह दूंगा। तो कौम ने यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वहाँ पर तो एक शख्स है जो बहुत बड़ी कदोकामत वाला है और बड़ा ही ज़बरदस्त है, हम हरगिज़ वहाँ नहीं जाएंगे जब तक वो शख्स वहाँ पर मौजूद है। वो दोनों सरदार यूसा बिन नून और कलूद बिन कता जो अपने वादे पर कायम रहे थे, कौम से कहने लगे कि ए कौम, ठहर जाओ और इन पर हमला करो, अल्लाह ताला तुमको फतह देगा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया है कि अल्लाह ताला इनको ज़रूर हलाक करेगा और जिस तरह फिरौन को हलाक किया था, जब तुम लोग अल्लाह पर यकीन रखते हो तो इस पर भरोसा क्यों नहीं करते। इस सारे मामले के बाद कौम ने कहा कि हम सारी उम्र वहाँ नहीं जाएंगे, ए मूसा अलैहिस्सलाम, तू और तेरा रब दोनों जाकर इनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे गुस्सा होकर इनके लिए अल्लाह ताला से बद्दुआ की, जिसकी वजह से शाम की फतह में 40 साल की ताखिर हुई। इस मुद्दत में बनी इसराइल के नाफरमान लोग जंगलों में
भटकते रहे। अलकिसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम अपने गिजा को साथ लेकर मुल्क शाम जहाद के लिए रवाना हुए और जब रात हुई तो बनी इसराइल ने वापस मिस्र जाने का इरादा कर लिया। तमाम रात चलते रहे लेकिन सुबह फजर के वक्त देखते हैं कि जहां से कूच किया था अब तक वहीं पर मौजूद है। वो समझे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बदवा से ये हाल हुआ है। तब यूशा बिन नून ने इनसे कहा कि इस मैदान में ठहर जाओ और सब्र करो और इस्तग़फार पढ़ो जब तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शाम फतह करके वापस ना आ जाएं। बनी इसराइल की कौम के 6 लाख अफराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बदवा से 40 साल इस जगह से ना निकल सके। इस जगह का नाम तैया है जो फलस्तीन, उर्दन और मिस्र के दरमियान एक मैदानी इलाका है। अलअर्ज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब औज बिन अन के शहर के लिए नज़दीक पहुँचे तो लोगों की मयूब शक्लें देखकर डरे और अल्लाह को याद करके आगे बढ़े। जब औज बिन अनक ने इनको देखा तो चाहा कि चूंटी की तरह पकड़कर मसल दे और कहने लगा कि तू बनी इसराइल का वो सरदार है जिसने फिरौन को इसकी कौम के साथ दरियाए नील में गर्क कर दिया था। ये कहकर इसने हमला कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पे जवाबी हमला किया। आप अलैहिस्सलाम का कद भी 10 गज ऊंचा था। आप अलैहिस्सलाम ने 10 गज उछलकर अपना असा इतने जोर से इसके टखने पर मारा कि वो वहीं पर गिरकर मर गया। मेरे दोस्तों यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। हम आपको बताएंगे दुनिया के अजीब तरीन इंसान जिनके वजूद पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल है। आपने दुनिया में बहुत अजीबो गरीब इंसान देखे होंगे लेकिन आज हम आपको चंद ऐसे इंसानों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपको शदीद हैरत होगी। मेरे दोस्तों बालों से भरा हुआ इंसान योजन हवान नामी इस चीनी के जिस्म पर अनगिनत बाल हैं और पहली नज़र में वो कोई बनमानस या रीछ नज़र आता है और इसके जिस्म का 96% हिस्सा बालों से छुपा हुआ है। योजन एक नॉर्मल इंसान पैदा हुआ था लेकिन इसके बाद इसको हाइपर ट्रिकोरिसिस नामी एक बीमारी हो गई थी जिसमें बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बाल आते हैं। इस बीमारी के बायस इसको मुत्तद टीवी चैनल्स ने भी बुलाया था लेकिन इसने इस बीमारी की वजह से कभी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा एक नॉर्मल जिंदगी गुजारता रहा। मेरे दोस्तों इसके बाद बात करते हैं बड़े हाथों वाला बच्चा। कलीम नामी ये बच्चा भारत में रहता है और इसके हाथ बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। इसकी माँ का कहना है कि जब वो पैदा हुआ था तभी से अपने बेटे के अंदर गैर मामूलीपन नजर आ गया था। डॉक्टरों का कहना था कि इसके हाथों का वजन इसके सर के वजन से बहुत ज्यादा है और इनकी लंबाई 1 फुट तक है। बड़े हाथों की वजह से वो रोजमर्रा के काम करने में बहुत दिक्कत महसूस करता है, यहाँ तक कि वो अपने जूतों के तस्मे भी नहीं बांध पाता। बात करते हैं अब उन लोगों की जो दवाइयों पर पलते हैं। अक्सर लोगों को बहुत शौक होता है कि इनका जिस्म तवना मजबूत और खूबसूरत नजर आए और इस मकसद के लिए वो स्टीरॉयड्स और दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं। हालांकि तहकीक से साबित हो चुका है कि ऐसी तमाम दवाइयां इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुजर हैं लेकिन फिर भी ये लोग बाज नहीं आते और इन अद्वियात का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते रहते हैं। ख़वातीनो हज़रात अब बात करेंगे जिस्म में सुराखों वाले इंसान के बारे में। नाक कान या जिस्म के कोई और हिस्से में छेद करवाना एक आम सी बात है लेकिन दुनिया में एक ऐसा शख्स भी है जिसने अपने जिस्म में हर जगह छेद करवा रखा है। रोलफ बिचल्स नामी इस शख्स ने अपने जिस्म में 453 छेद करवा रखे हैं। इसे देखते ही इंसान हैरत में डूब जाता है जिसकी वजह से इसके होंठों के गिर्द 94 और नाक में 8 छेद हैं। मेरे दोस्तों आखिर में आपको बताते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका चेहरा नीला है। आपने कार्टून स्मर्फ के बारे में तो सुन रखा होगा जिसमें नीले रंग की मखलूक दिखाई देती है लेकिन दुनिया में एक ऐसे रंग का इंसान मौजूद है। बाल नामी इस शख्स को 10 साल कबल चेहरे पर कोई इन्फेक्शन की तकलीफ थी और इसके तदराक के लिए इसने सिल्वर से कोई दवाई बनाई। इस दवाई के इस्तेमाल के बाद इसका चेहरा नीला हो चुका है और अब ये ठीक नहीं हो सकता। इसका वाहिद इलाज कम से कम सूरज का सामना करना है। ख़वातीनो हज़रात इस वीडियो से मुतल्लिक आप अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय और तजावीज़ का ज़रूर इजहार करिएगा क्योंकि आपकी राय और तजावीज़ हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अहलो अहबाब के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का अहतमाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मेरे दोस्तों आखिर में आपसे गुजारिश भी करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबाकर हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए ताकि आने वाली वक्तन फवक्तन जो इस्लामिक
انفارمیٹیو اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اللہ حافظ۔